हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वज्र द पावर। जैसे कि मार्केट शुरू हो चुका है, लगभग 9:30 भी हो रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। अभी जो चल रहा है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने के लिए सबसे पहले एक वॉच लिस्ट तैयार होना चाहिए, जो मैं हमने बात की थी। तो होप्स हो कि आप सभी लोगों ने ऐसा वॉच लिस्ट तैयार कर लिया होगा। पहला वॉच लिस्ट होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला वॉच लिस्ट होगा इंडेक्स का, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में सेकंड होगा जो निफ्टी 50 है, उसके स्टॉक आपको यहाँ पे सेकंड में ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करके रखे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये एकदम लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में हूँ मैं। ये आप निफ्टी 50 का रख सकते हो। उसके बाद जो वॉच लिस्ट आप बनाएंगे वो है निफ्टी 50 नेक्स्ट का, ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हम कैसे करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला इंडेक्स में जाओ, आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लो आप कि कौन सा इंडेक्स आज टॉप पे है। PSU बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे आज। दूसरे जो है कि एनर्जी का है, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। इंफ्रा का है, रियलिटी का है, ठीक है। तो हम जाते हैं निफ्टी 50 में और यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे एज पर परसेंटेज। तो हमें ऊपर दिखाई देता है ONGC, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा, इसे आप सॉर्ट करते रहिए, थोड़ा नज़र रखिए कि कौन सा स्टॉक ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब ठीक है, टॉप पे आ रहा है। तो हमको टॉप 5 में से कोई भी एक स्टॉक खरीदना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि एनर्जी सेक्टर बहुत ऊपर है, ठीक है। तो एनर्जी में जो है BPCL, IOC, ONGC ये है, ठीक है। उसके बाद में रियलिटी भी थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड नंबर पे भारतीय एयरटेल। मैं फर्स्ट नंबर को नहीं ले रहा हूँ, सेकेंड नंबर देखिए इन्होंने टॉप कर लिया है। तो अभी 1773 है। अगर यहाँ पर भी आप एंट्री कर लेते हो तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो है 7 रुपीज़ का और गेन के लिए एक्सपेक्टेड कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 2% से बढ़ चुका है, तो एक 3% का भी काम अगर टारगेट रखते हैं इसे हम। प्राइस के ऊपर कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, एज पर द परसेंटेज ओनली, ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज में ग्रोथ है तो हमने एंट्री ले लिया था, ठीक है। 2% पे हमने यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कीजिए, हमने 2% पे यहाँ पे एंट्री कर लिया। तो ये धीरे धीरे 2.04, 2.7, 2.8 और यहाँ पे उसी प्रकार से प्राइस बढ़ रही है। गॉट इट गाइस। तो इस प्रकार से आपको एंट्री लेना होगा। या आप यहाँ पे अदानी पोर्ट देख सकते हो, अदानी पोर्ट का क्या हाल है। अदानी पोर्ट भी सिंपल है, यहीं पे आप कर सकते हो, यहाँ से आप इसे ले सकते हो। हाँ, अगर आप ये जल्दी कर देखिए, अदानी पोर्ट हमने देखा था, अभी SBI लाइव देखा था, तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे। ये भारतीय जो एयरटेल था वो 2% पर था। और ये देखो SBI लाइफ, मैं इसे आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ दोबारा एक बार। एज पर परसेंटेज देखिए, भारतीय एयरटेल 3 नंबर पे आ गया, SBI लाइफ 2 नंबर पे आ गया, मतलब लगभग SBI में यहाँ पे 50% यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है। गॉट इट गाइस। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम किस प्रकार से हमको कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगर और आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हाँ, और लाइक भी करना। और हो सके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए। थैंक यू।